पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार चर्चा में है। वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप हैं। इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। जेडीएस की कोर समिति के सदस्य जीटी देवगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जांच होने तक हम इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने के संबंध में देवगौड़ा को सुझाव दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी महिलाओं पर अन्याय की रिपीट उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी महिलाओं पर अन्याय की विरोधी है, लेकिन एक सवाल है कि जब चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हैं तब ये पेन ड्राइव क्यों रिलीज की गई। इस संबंध में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज है। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज है। अब ये दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं। रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 43 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है। प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि उसका विदेश जाने का प्लान पहले से तय था, उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वो बिना बताए चला जाता है और वो चला गया है। क्या उसे पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है और एसआईटी गठित होने वाली है? उसे जांच के लिए जब बुलाया जाएगा तो वो आ जाएगा, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो आनन फानन में विदेश कैसे भाग गया, उसके विदेश जाने की भनक कैसे किसी को नहीं लगी। इस पूरे मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि प्रज्वल विदेश भाग गया है, उसे वापस लाकर जांच करने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। इस मामले में जांच जारी रहेगी। इस मामले की जांच के लिए 18 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें 3 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों को जांच के सिलसिले में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इस मामले में एसआईटी ने 3 विशेष यूनिट का गठन किया है। मैसूर की एसपी सीमा लाटकर की अगुवाई में गठित पहली टीम यौन उत्पीड़न के एंगल से मामले की जांच करेगी। एसपी सुमन डी पन्नाकर की अगुवाई में दूसरी टीम मामले में सामने आए वीडियो और पेन ड्राइव का एनालिसिस करेगी। वहीं मामले में सबूतों के तकनीकी पहलू की जांच के लिए एक टेक्निकल टीम का भी गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।